अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार आज की जो वीडियो, उसका सीन कुछ ये है कि जैसे आप सबको पता है रमज़ान करीम ख़त्म हो रहा है, ईद आ रही है, तो मेरे घर से कुछ ईदी आई थी, वो भी मैं निकलवाने जाऊँगी, तो मैंने सोचा आपको भी साथ लेके चलूँ। और मैं वेस्टर्न यूनियन पर जाऊँगी, वहाँ का थोड़ा आपको मैथड भी बता दूँगी दोबारा से कि कैसे पैसे निकलवाते हैं। तो चलें फिर चलते हैं बैंक। पहले तो जब मैं वेस्टर्न यूनियन से पैसे निकलवाने जाती हूँ तो मैं दमीर बैंक में जाती हूँ, वहाँ से जो वेस्टर्न यूनियन है वहाँ से पैसे निकलवाती हूँ। लेकिन यहाँ पास में भी ऑप्टिमा बैंक है, पहले मैं वहाँ जाके चेक करूँगी, अगर वहाँ पर मुझे वेस्टर्न यूनियन मिला तो वहाँ से निकलवाऊँगी, अदरवाइज़ फिर मैं दर्दोई जाऊँगी दमीर, वहाँ से पैसे निकलवाऊँगी। तो फिर चले देखते हैं, मे बी ये ऑप्टिमा से निकल जाए पैसे। चलें तैयारी। मैं ऑप्टिमा बैंक आ चुकी है, मेरे पीछे बैंक है, अभी हम अंदर जाके मैं देखती हूँ कि क्या यहाँ से पैसे निकल सकते हैं। तो अभी चलते हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तैयार हमारे साथ अभी छोटा सा प्रैंक हो चुका हुआ है, तो तकरीबन 30 मिनट से हम अंदर बैठे हैं लेकिन हमारा वो काम नहीं हो पाया, तो यहाँ से पैसे नहीं निकले। अभी मैं दमीर बैंक जाऊँगी दर्दोई, तो वहाँ से मैं हमेशा वहीं से निकलवाती हूँ, तो बस अभी वहीं जाऊँगी। ऑप्टिमा बैंक से अच्छी तरह जलील हो गया, अब हम जा रहे हैं दर्दोई दमीर बैंक, उधर जाके मैं आपको सारा आगे बताती हूँ। हाँ सॉरी अलमा, ईशा ने करेक्शन की। शदीद गर्मी है और हम बिश्कीक की सड़कों पर इधर उधर जलील हो रहे हैं। एक्चुअली हमें दर्दोई जाना था, लेकिन मेरी दोस्त को लगा कि वहाँ पर जो अलमा में बैंक है वहाँ पर भी वेस्टर्न यूनियन है, लेकिन वहाँ नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो इस वजह से अब हम दर्दोई जा रहे हैं। वहाँ पर पक्की बात है, श्योरिटी है वहाँ है, तो अब वहाँ से निकल जाएंगे बस। तैयारी में आपको भी सिग्नल रुका हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये पीछे मेरे दर्दोई है, तो अभी हम दर्दोई प्लाजा जा रहे हैं, ये सिग्नल रुका हुआ है, तो फाइनली हम दर्दोई आ ही गए। तो बस अब अल्लाह करे अंदर जाए तो दमीर बैंक खुला हो, अदरवाइज हमारे साथ आज मेजर वाला प्रैंक हो जाना। तो अभी तो फिलहाल हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, मैंने तकरीबन थोड़ा बहुत आपको दिखाया है, अभी ये पूरा बंद है दर्दोई, लाइक कोई शॉप वगैरह नहीं खुली हुई। तो यार ये आप देख सकते हैं, इन्होंने तकरीबन हर जगह पर ये लगाए हुए हैं, बस चंद एक चीज़ें खुली हुई हैं, लाइक यहाँ पर ये पीछे आप देख सकते हैं ये सुपरमार्केट खुली हुई है, इसके अलावा पीछे बैंक खुला हुआ है, बस बहुत बहुत कम चीज़ें खुली हुई हैं। यार फाइनली अभी मैं फ्री हुई और ये रही मेरी ईदी जो आ चुकी है, और इस टाइम जो मेरी खुशी की इंतहा है वो बस नेक्स्ट लेवल पे है। तो यार अब मैं आपको थोड़ा वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम का जो मेथड है वो बेसिक उसके बारे में बता दूँ, वो बेसिकली सारा सेम ही होता है, मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, अब दोबारा बता रही हूँ। तो उसका ये सीन होता है कि आपको आपको पासपोर्ट नंबर, आपके यहाँ का लोकल फ़ोन नंबर, उसके अलावा अपना नाम जो पासपोर्ट पे है, और ये सब चीज़ें आपको सेंड करनी होती है पाकिस्तान जिसने आपको पैसे वेस्टर्न यूनियन करवाने होते हैं। तो वेस्टर्न यूनियन जाके वो सारी डिटेल्स वगैरह देते हैं, कंट्री का नेम पूछते हैं। तो जब शुरू शुरू में मुझे भी वेस्टर्न यूनियन करवाने थे पैसे, तो वो कंट्री के नेम में थोड़ा इशू आ रहा था, मैं किर्गिस्तान बता रही थी तो वो कंट्री नहीं शो रहा था, तो ये कंट्री का नाम है किर्गिज रिपब्लिक, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी कटिंग वगैरह होती है, लाइक अगर मैं आपको बताती हूँ, मैंने फ़ीस मंगवाई थी $1900 फ़ीस थी मेरी, तो उसमें तकरीबन पाकिस्तानी 14 to 13 thousand रुपीज़ कटिंग हुई थी, तो राउंड अबाउट उतना ही होता है। मैं तो मंथली पॉकेट मनी वेस्टर्न यूनियन से ही मंगवाती हूँ,
बहुत आसान प्रोसीजर है, मैंने आपको डिटेल्स भी बता दी हैं क्या क्या कुछ चाहिए होता है। तो जब वो पाकिस्तान से डलवाते हैं तो उसके अराउंड अबाउट 30 मिनट्स बाद यहाँ हमें पैसे मिल जाते हैं। तो अब बेसिकली मैं आपको वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम में डिफरेंस बताती हूँ। जो मनीग्राम है उसमें बेसिकली कम पैसे रखते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही होता है कि उसमें ना पैसों की लिमिट होती है, जैसे बैंक में लिमिट होती है ना। लाइक मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे वेस्टर्न यूनियन से आप जितने मर्जी पैसे मंगवा लो, अगर $2,000-3,000 मंगवा लो, लेकिन मनीग्राम में थोड़ी लिमिट होती है कि इस लिमिट से ज़्यादा पैसे आप नहीं मंगवा सकते। तो बस ये डिफरेंस होता है। वैसे मनीग्राम ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हमने कौन सी मंथली बहुत ज़्यादा पैसे मंगवाने होते हैं, $300-400 इनफ होता है। बाकी मनीग्राम बेस्ट है क्योंकि पैसे भी कम होते हैं। तो यार पैसे वगैरह मैंने निकलवा लिए, अब बस मुझे ग्लोबस जाना है, वहाँ से कुछ मुझे चीज़ें वगैरह चाहिए थी। तो अभी मैं ग्लोबस से कुछ चीज़ें पकड़ूंगी, फिर वापस हम फ्लैट पर चले जाएंगे। तो यार ग्लोबस से भी जो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी वो बेसिकली मैंने ले ली। मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने काफ़ी बार ग्लोबस का व्लॉग बनाया और काफ़ी हद तक अब लोगों को पता चल गया हुआ है कि यहाँ पर किस टाइप की चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो बस मुझे थोड़ा सा शैम्पू और इस टाइप की थोड़ी चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने ले ली हैं। तो बाकी अभी बस हम निकलते हैं अपने फ्लैट की तरफ।